राजधानी पटना में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी का जो काफिला है तुरंत वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी किस तरह से देखिए। और ये जो लाल पंखुड़िया है उस कार में सवार राहुल गांधी और पूरा जो इस वक्त काफिला है वो यहाँ पर सवार होता दिख रहा है। सैकड़ों गाड़ियों की जो लाइन है वो राहुल गांधी को लेकर जा रही है और ये सीधे पटना के गांधी मैदान ये काफिला पहुंच रहा है। और देखिए जबरदस्त कारकेट और तमाम व्यवस्थाओं के बीच कारकेट में कई गाड़ियां ऐसे ही घुसी हुई है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ही ये जो स्थिति है ट्रैफिक की, उस ट्रैफिक से जो बहुत दो चार होना पड़ रहा है राजधानी पटना के लोगों को, काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति है। और ऐसे में लोकल जो गाड़ियां हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ जो काफिला है उसको देखिए किस तरीके से तमाम जो एम्बुलेंस है वो यहां पे पहुंच रही है। और पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी का ये काफिला अब थोड़ी देर में पहुँचेगा, तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं, लेकिन ये तय हो गया कि राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और महागठबंधन की इस रैली को लेकर वो अब थोड़ी देर में मंच साझा करेंगे। तो देखिए पटना की धरती पर किस तरीके से अखिलेश यादव ये लाल रंग की पंखुड़ियों के बीच में लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए पहुँच गए। और अब उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के पहुँचते ही महागठबंधन की जो सेना है वो उनके साथ मंच साझा करेंगे और उनके इस काफिले को लेकर जो तैयारी है, तो दोनों तरफ जो समर्थक है वो किस तरीके से पहुंचे हैं ये तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं, जहां पर सीधे वो पटना के गांधी मैदान जाएंगे और गांधी मैदान में मंच साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी भी पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से इसी रास्ते पर पटना के गांधी मैदान जाएंगे, यानी कि महागठबंधन की जो रैली है, जो रैली आज जन विश्वास महारैली में तब्दील हुई और तेजस्वी यादव ने जो कमिटमेंट किया था कि यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाली रैली होगी, वो राजधानी पटना की सड़कों पर पटना के गांधी मैदान में साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त उत्साहित है। और खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रथ से रवाना होकर राबड़ी आवास से निकलकर सीधे तौर पे पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं, यानी कि अब ये रैली का जो आकार है वो धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो हम अभी के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज बाइस्कोप पटना। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद।